हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्च अगेन। आज हम जून मंथ के 2022 के पॉलिटिक्स सेक्शन के न्यूज़ इन शॉर्ट्स डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंटरनेट शटडाउन्स। इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है सिंपली कि कहीं पर भी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद कर देना। इसमें ये न्यूज़ में क्यों है तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में कंट्रीज़ को बोला है कि जो इंटरनेट शटडाउन कंट्रीज़ में किए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो वार्निंग दी है यूनाइटेड नेशंस ने कि इसके डायर कंसिक्वेंसेस होंगे, यानी कि इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम होंगे, जो कि भविष्य में भी अगर ऐसा किया जाता है तो उसमें भी समस्याएं खड़ी करेंगे। अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं इसकी, यूएन रिपोर्ट में इसके बारे में क्या बता रखा है कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्ट बता रखा है मेजर इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर ऑल सेक्टर्स, यानी कि इकोनॉमिक या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो टोटली इंटरनेट पर बेस्ड हैं तो उनमें समस्याएं हो रही हैं। कॉमर्स है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, उबर है, ओला है, स्विगी है, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट से ही काम करते हैं। एंड इंडस्ट्रीज, देर आर मैनी इंडस्ट्रीज विच आर टोटली इंटरनेट वेस्ट, तो उनको भी अपना वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद बता रखा है पैडागॉजिकल आउटकम्स के बारे में, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा वो भी कहीं ना कहीं इससे बाधित हो रहा है, और जो एजुकेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन है वीडियो कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा के द्वारा, वो भी नहीं हो पा रहा है। एंड आफ्टर दैट हेल्थ केयर सेक्टर, तो वही सेम जो एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ शटडाउन, तो यहाँ पे भी समस्या हो रही है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट अंडरमाइंस एक्सेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स टू क्रिटिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो उनको क्रिटिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन इंटरनेट के थ्रू मिलता है, यानी कि जैसे मीटू कैंपेन चला था, तो मीटू कैंपेन किससे चला था, वो चला था आपके इंटरनेट के थ्रू ही चला था। तो इस तरीके की जो कैंपेन्स हैं और जो उनकी समस्याएं हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के सामने ला पाती हैं, तो वो समस्याएं नहीं ला पाएंगी, तो इससे उनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मेंटल ट्रॉमा, यानी कि लोग क्या है आजकल इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे सोशल मीडिया के द्वारा अपने जो भी चाहे उनके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, या भी जो भी जानने वाले लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो अगर इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट शटडाउन होगा, तो उस स्थिति में वो उनसे बात नहीं कर पाएंगे, तो वो मेंटल टेंशन और मेंटल ट्रॉमा से गुजर सकते हैं। अब हम की रिकमेंडेशंस देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो स्टेट्स को रिकमेंडेशन दी हैं कि उन्होंने जहाँ तक हो सके उनको इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उनको ये करना ही पड़ रहा है तो कुछ चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला इन्होंने दे रखा है क्लियरली ग्रुप्ड ग्राउंडेड इन अनएम्बिगुअस पब्लिकली अवेलेबल लॉ, यानी कि एक क्लियरिटी होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई इसकी वजह से हम इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, लोगों को पता होना चाहिए। और जो भी इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं वो लॉ के दायरे में होना चाहिए, जो भी जिस कंट्री में लॉ है उस लॉ के दायरे में ही ऐसा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट दे रखा है नेसेसरी टू अचीव अ लेजिटिमेट एम, यानी कि एक कोई एम होना चाहिए, एक पर्टिकुलर उद्देश्य होना चाहिए जिसकी जिसके लिए आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था तो वहाँ पे ये बताया गया था कि वहाँ पर वायलेंस फैल सकता है क्योंकि 370 हटा था, तो एक उद्देश्य था, एम था। तो इस तरीके से पर्टिकुलर आपको बताया जाना चाहिए कि क्या आपका उद्देश्य है, क्यों आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट थर्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू द लेजिटिमेट एम, यानी कि कैसा होना चाहिए, अब प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसी अनुपात में। किसी छोटे से काम के लिए आप इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो तो उससे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, इनमें प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब उसके प्रोपोर्शन में आपने जो इंटरनेट शटडाउन किया है, जिस पर्पस से किया है, जिस एम के साथ किया है, उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा उसके बराबर, प्रॉब्लम्स के बराबर फ़ायदा हो या उससे ज़्यादा हो, तब तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी सी किसी समस्या के लिए इंटरनेट शटडाउन करना ये कोई समाधान नहीं है, ऐसा उनका कहना है। कंपनीज़ के लिए या कंपनीज से क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि रीइन्फोर्स इंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, तो कंपनीज़ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ इंगेजमेंट प्रॉपर हो और उनके साथ कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग हो, वर्किंग टू प्रिवेंट एंड रिवर्स कम्युनिकेशन डिसरप्शन, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन का डिसरप्शन है वो कम से कम हो या ना हो पाए। एंड आफ्टर दैट टू डेवलपमेंटल एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे बोला गया है कि इंटरनेट शटडाउन अगर होता है तो उससे बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारी रिस्क हैं, तो पहले से ही इनको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो पहले से ही वो तैयारी करके
रखें और उनका सामना कर सकें। आफ्टर दैट टू सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के लिए क्या है कि सिविल सोसाइटी का काम है कि कोई भी अगर कहीं पे भी गलत काम हो रहा है तो सिविल सोसाइटी उसको मुद्दे को उठा के लाती है और लोगों के सामने आती है, उसका विरोध करती है। तो सिविल सोसाइटीज़ के लिए भी यही बोला गया है कि रीइन्फोर्स कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, स्टडी एंड रिस्पॉन्ड टू इंटरनेट शटडाउन, तो उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसके बाद अब ब्लॉक में दे रखा है कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन से लेकर क्या, उसको लेकर क्या प्रोविजंस किए गए हैं इंडिया में। तो अभी हमारे यहाँ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, उसका सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 है, जो उसी के तहत सस्पेंशन का अधिकार गवर्नमेंट को दिया गया है और इसी के तहत गवर्न किया जाता है। एंड इसके अलावा 2017 के रूल में ये भी बताया गया है कि जो हमारे यहाँ सस्पेंशन है वो केवल टेम्पररी हो सकता है, एक छोटे से टाइम के लिए हो सकता है एक बार में, और टेलीकॉम सर्विसेज इन अ रीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, और वो किस ग्राउंड पर हो सकता है, पब्लिक इमरजेंसी के ग्राउंड पर ही हो सकता है, और वो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए हो सकता है। पूरा टॉपिक हमने इंटरनेट शटडाउन का डिस्कस किया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारा टॉपिक है स्टेट काउंसिल मीटिंग्स। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बोला है, प्राइम मिनिस्टर को लिखा है एक लेटर, उसमें बोला कि जो इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग्स हैं वो साल में कम से कम 3 बार होनी चाहिए। सेकंड, उन्होंने सजेस्ट किया है कि कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में लाया जाना है तो उस बिल को पहले, और ऐसा जो नेशनल इंपॉर्टेंस का बिल है, राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है और बिल है, तो उसको कहाँ लिया जाना चाहिए, पहले इंटर स्टेट काउंसिल के सामने लाया जाना चाहिए और वहाँ पे उस पर प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। आफ्टर दैट शुड बी मूव्ड टू पार्लियामेंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म को अगर ऐसा किया जाता है तो इससे, उन्होंने बोला कि कॉपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि सहकारी संघवाद का सिंपल सा मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा, तो ये स्पिरिट भी बढ़ेगी। अब इंटरेस्टेड काउंसिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये आर्टिकल 263 के अंडर में आता है। कौन सी आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 263 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अंडर में आता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसको सबसे पहले रिकमेंड किसने किया था? तो वो थे सरकारिया, यानी कि सरकारिया कमीशन ने इसको सबसे पहले रिकमेंड किया था और बोला था कि इसको एक परमानेंट बॉडी बनाया जाना चाहिए। उन 2 साल बाद ही 1990 में ये एग्जिस्टेंस में आती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। तो आपको इसमें पहला, इसको किसने रिकमेंड किया था? तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था और ये एक परमानेंट बॉडी है। इसके अलावा ये कैसे आई थी? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आई थी या पार्लियामेंट में बिल लाया गया था उसके थ्रू आई थी? तो ये आपको याद रखना है कि ये प्रेसिडेंशियल के ऑर्डर के द्वारा लाई गई थी। अब द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, इसका जो कंपोजिशन है तो वो कंपोजिशन कैसा है, यानी कि किन किन से मिलकर ये काउंसिल बनी होती है? तो ये बहुत ही सिंपल है, आप कॉपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होगा? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, और स्टेट के कौन होंगे? सीएम होंगे। तो वही सब इसमें है, देखते हैं कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन होते हैं फर्स्ट, सेकेंड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और यूटीज में, वो यूटीज के सीएम होते हैं और सभी स्टेट्स के सीएम होते हैं। आफ्टर दैट जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, ऐसी यूटीज हैं, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी कि प्रशासक होते हैं, और इसके अलावा 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। एंड आफ्टर द 10 यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं जो परमानेंट इनवाइटीज होते हैं इस कमेटी में। तो ये आपको पूरा कंपोजिशन याद रखना है। अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होते हैं इसके। पहला फंक्शन है इसका कि अगर राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को बातचीत के द्वारा, इस काउंसिल के द्वारा रिजॉल्व किया जाए। सेकंड दे रखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच टू स्टेट्स और मोर स्टेट्स एंड द स्टेट और यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि स्टेट यूनियन के बीच में अगर किसी कॉमन इंटरेस्ट की बात आती है, यानी कि कोई मुद्दा ऐसा है कि जहाँ पे स्टेट का भी इंटरेस्ट है और यूनियन का भी इंटरेस्ट है, या दो से अधिक स्टेट्स का इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मिलकर चर्चा की जानी चाहिए और उस पर अच्छे से काम करके एक ऐसा रिजल्ट निकालना चाहिए जो पूरे देश के लिए अच्छा हो। नेक्स्ट, मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। अब पॉलिसीज़ बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में बढ़ावा दिया जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन को, और एक बेहतर रिजल्ट मिल सके हमें। सो द इंटरस्टेट काउंसिल हैज़ मेट ओनली वंस इन द लास्ट 6 ईयर्स। ये तो बड़े दुख की बात है इंटरस्टेट काउंसिल के हिसाब से देखा जाए तो, पिछले 6 साल में केवल एक बार मिली है, और हमारे तमिलनाडु की सीएम साहब कह रहे हैं कि साल में कम से कम 3 बार मिलनी चाहिए, तो इसीलिए उनको बोलना पड़ा शायद। एंड 11 टाइम्स सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1990 में जब ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, यानी कि बनी थी, तो उस टाइम से केवल 11 बार ही मिली है। तो मेंस में ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल से संबंधित या कॉपरेटिव फेडरलिज्म से संबंधित कोई अगर बात आती है तो वहाँ पे इसको डाला जा सकता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये टॉपिक है हमारा राज्यसभा इलेक्शंस हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट्स।
तो पता होगा आपको हर दूसरे साल राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। सो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, राज्यसभा एक हमारा परमानेंट हाउस है और उसको कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो उस परमानेंट हाउस बनाने के पीछे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी कुछ सोच रही होगी, तो वो सोच ये थी कि कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, किसी भी कानून की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो हमारी लोकसभा होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यू रहे, वो कभी कभी भंग हो जाती है और बीच में गैप आ जाता है। तो उस गैप को फिल करने के लिए कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो उस टाइम पे कानून बना सके और हमारी इमरजेंसी की सिचुएशन में देश की स्थिति को बनाए रखे, अच्छी ऑर्डर को बनाए रखे। तो इसलिए उन्होंने राज्यसभा को बनाया और इसको एक परमानेंट बॉडी के तौर पर रखा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की मंशा थी। अब हम आगे देख लेते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि टोटल 250 मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 हो सकती है, जिसमें से 238 स्टेट्स और यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और 12 नॉमिनेट किया जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वो कौन से क्षेत्र से आते हैं, तो वो चार एरिया से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। लेकिन प्रेजेंटली अगर देखा जाए वर्तमान में तो 233 यानी कि 233 जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं, यानी कि टोटल 245 हैं। अब हम राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में देखते हैं। तो टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उन पर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। इस तरीके से दो दो करके तीन बार यानी कि 6 साल एक व्यक्ति का कार्यकाल हो जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उनमें से वही सदस्य इसके लिए इनके लिए वोट करते हैं और ये तब इलेक्ट होके आते हैं। सीट्स आर अलॉटेड टू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो भी सीट्स अलॉट की जाती हैं वो किसके बेस पे की जाती हैं, पॉपुलेशन के बेस पे। अब देख लो आप, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो राज्यसभा में उसकी सीट सबसे ज़्यादा 31 है, और सिक्किम की पॉपुलेशन काफ़ी कम है तो उससे वहाँ से केवल एक ही मेंबर आता है राज्यसभा में। तो पॉपुलेशन ही डिसाइड करती है कि वहाँ पर राज्यसभा की नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी। इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कौन सा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें जिस अनुपात में, जो भी हमारी लेजिस्लेचर होती है उसमें जिस अनुपात में पार्टीज़ के मेंबर्स हैं उसी प्रोपोर्शन में राज्यसभा में मेंबर्स का इलेक्शन होना चाहिए और ऐसा होता है, इसलिए इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर कैंडिडेट है उसके लिए कोई मेंबर अगर वोट कर रहा है तो वो एक बार में ही सबको वोट करता है और उसमें अपनी प्रेफरेंसेस देता है कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। अब इसमें सिंगल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार ही वो वोट करता है और सबको प्रेफरेंसेस दे देता है। और ट्रांसफरेबल क्यों होता है, ट्रांसफरेबल इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि अगर उसने एक बार वोट दे दिया और उसके वोट वाला कैंडिडेट मान लो सबसे लास्ट पोजीशन पे आया तो उसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो किसी काम की नहीं रही। तो अब जो उसने सेकंड प्रेफरेंस जिसको दी होगी वो वोट उसको ट्रांसफर हो जाएगा और वो जब तक ट्रांसफर होता रहेगा उसका वोट, जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को कोटा, निश्चित जो कोटा है वो नहीं मिल जाता और वो इलेक्ट नहीं हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा पोल्स हैव अ सिस्टम ऑफ ओपन वैलेट, उनका जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन वैलेट वाला होता है, लेकिन इसमें लिमिटेड फॉर्म ऑफ ओपननेस होती है। यानी कि वो क्या है कि अपने जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टी के मेंबर्स एक एजेंट को ऑथराइज करते हैं और उस ऑथराइज्ड एजेंट को ही उनको अपना वोट दिखाना पड़ता है कि मैंने इसको वोट दिया है। लेकिन वो अगर इसके अलावा किसी और को दिखा रहे हैं तो फिर उनका जो वोट है वो इनवैलिड हो जाता है। अब नोटा के बारे में दे रखा है कि इसमें नोटा का ऑप्शन नहीं होता है और इसके अलावा सेकंड इसमें इंफॉर्मेशन है कि नॉट वोटिंग फॉर द पार्टी कैंडिडेट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि अपने पार्टी के कैंडिडेट को वोट अगर कोई नहीं देता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। राज्यसभा के बारे में इस ब्लॉक में कुछ फैक्ट्स दिए हैं। पहला है अंडर आर्टिकल 83, तो उसमें बताया गया है कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं जो चार हमने डिस्कस किए थे,
कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है, फोर्थ शेड्यूल में बता रखा है कि राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, तो वो पॉपुलेशन के बेस पे होगा कि कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। तो ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।